कभी कभी बारिश में बादलों के गड़गड़ाहट के साथ एक धनुष्य दृश्य दिखता है जह किसी धागे के बिना होता है. साधारणतया जो धनुष्य होता है वह धागे से बंधा होता है, पर इंद्रधनुष्य में कोई धागा नहीं होता है और इसके बावजूद वो आसमान में बड़ा ही सुंदर रूप से प्रतीत होता है. ठीक उसी तरह से जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे एक साधारण मानव जैसे प्रतीत होते हैं, पर वे किसी भौतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं है. भगवद्गीता में बताया गया है कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से आते हैं जो कि बाह्य शक्ति के बंधन से पूर्णतया मुक्त है, और जो साधारण जीवों के लिए बद्धावस्था है वह भगवान के लिए मुक्तावस्था है. तो यहां पे श्लोक तब तक हम रिसाइट करते हैं. धनुर्वियति महेन्द्रम निर्गुणम च गुणिन्यभात् व्यक्ते गुणव्यतिकरे अगुणवान पुरुषो यथा. धनुर्वियति महेन्द्रम निर्गुणम च गुणिन्यभात् व्यक्ते गुणव्यतिकरे अगुणवान पुरुषो यथा. धनुर्वियति महेन्द्रम निर्गुणम च गुणिन्यभात् व्यक्ते गुणव्यतिकरे अगुणवान पुरुषो यथा. धनुर्वियति महेन्द्रम निर्गुणम च गुणिन्यथात् व्यतिकरे अगुणवान पुरुषो यथा. महेन्द्रम गुणम च गुणिन्यभात् वैष्णवीज महेन्द्रम निर्गुणम च गुणिन्यथा करे गुणवान पुरुषो यथा. महेन्द्रम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्णा। जो भी भक्तों ने अपने मोबाइल फोन लाए हो कृपया उसको आप बंद कर दीजिए ताकि वो कथा में डिस्टर्ब ना करें। हरे कृष्णा। तो आज सुबह हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि कल्पना और सत्य इसमें क्या संबंध है, द रिलेशनशिप बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। तो यहाँ पे दशम स्कंद में ये जो अध्याय है इसमें, जैसे अभी बहुत बारिश हो रही है तो वैसे ही वृंदावन में बड़ी बारिश हो रही है, और उस बारिश से सुखदेव गोस्वामी जब उसका चिंतन कर रहे हैं तो चिंतन करते हुए निसर्ग को देखकर वे अलग अलग उपमाएं तुलनाएं कर रहे हैं और उनके द्वारा कुछ आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो इस अध्याय को हम कह सकते हैं From natural sights to spiritual insights, कि निसर्ग की दृष्टि को देखकर हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। तो हम सब हमारे बाजू में दुनिया जो हो रही है सब कुछ देखते हैं उसको साधारणतया, पर किस दृष्टि से देखते हैं उसके अनुसार फैसला होता है कि उस वो जानकारी जो हम जो प्राप्त करते हैं हमारी दुनिया से उससे हम क्या करते हैं। क्या होता है कि आवर विजन इज अ फंक्शन ऑफ आवर इंटेंशन। हम जो देखते हैं वह अभी दो व्यक्ति शायद एक ही चीज को देखते हैं पर वो दोनों एक ही चीज को नहीं देखते हैं क्योंकि दोनों का दृष्टिकोण अलग होता है। सो टू आईज मे शेयर द सेम व्यू बट टू माइंड्स सी अ डिफरेंट व्यू। दो आंखें भले एक ही चीज को देख रहे हैं पर दो मन जो है उसके बारे में अलग अलग चीजों को सोचते हैं। तो यहाँ पे ये जो ये अध्याय है इससे हम समझ सकते हैं कि निसर्ग में इतनी सारी चीजें हैं और हम इतनी बार उन सबको देखते हैं पर सुखदेव गोस्वामी क्योंकि उनकी चेतना इतनी आध्यात्मिक तत्व और आध्यात्मिक सत्य में एकाग्रित है कि निसर्ग को भी देखते हैं तो उनको वहाँ पे आध्यात्म तत्वों की याद आती है। और इस विशेष श्लोक में बताया गया है कि कैसे आसमान में हम कभी कभी जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष्य देखते हैं। तो अभी ये इंद्रधनुष्य दिखने में एक धनुष्य जैसे ही लगता है पर ये अलग है क्योंकि कई कई फर्क है पर एक फर्क यहाँ पर बताया गया है कि जो इंद्रधनुष्य है वह उसमें कोई धागा नहीं होता है। साधारणतः कोई भी धनुष्य होता है उसमें जो धागा होता है वह जितने शक्ति से बांधा गया है उतनी शक्ति जो तीर भेजा जाता है उसमें होती है। इसीलिए जब कोई धनुष्य का इस्तेमाल करता है, धनुर्विद्या का इस्तेमाल करता है तो जब कोई युद्ध में जाता है उसके पहले जैसे कोई बंदूक लेकर जा रहा है तो बंदूक काम कर रही कि नहीं देखते हैं, बंदूक में गोलियां है कि नहीं देखते हैं। तो वैसे ही जब कोई धनुष से युद्ध करने जाता है तो सबसे वो देखते हैं कि तीर उनके पास है या नहीं और दूसरा वो जो धागा है वो कितना टाइटली बांधा हुआ, उसमें कितना टेंशन है। जितना उस धागे में टेंशन है उतना ही वो जब तीर मारेंगे उसमें उतनी शक्ति होगी। वो तीर खींचा जाता है पीछे उसके लिए शक्ति लगती है पर वो धागे में अगर टेंशन नहीं है तो फिर उस जो तीर है उसमें कोई रफ्तार नहीं होगी और रफ्तार नहीं होगी तो फिर वो उससे कुछ ज़्यादा घातक नहीं होगा। वो तो जो धनुष्य में को हम देखते हैं तो उसमें तीर हमें पहले हमको धनुष्य का रूप दिखता है, धागा पहले नहीं दिखता है पर धागा बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पर इंद्रधनुष्य ऐसा धनुष्य है जिसमें धागा नहीं है तो उसकी तुलना अभी क्या किससे कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि
भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो एक इंद्रधनुष के समान है कि क्या तुलना है, जैसे धागा साधारण धनुष जो होता है वो धागे के बिना नहीं रहता है, उसी तरह से इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति वो भौतिक तत्वों और तीन गुणों के बिना वो कुछ कार्य नहीं कर सकता है। ये तीन गुण जो है इनकी दो समझ आते हैं, क्या तीन गुण वास्तव में है क्या, तो भगवान भी इसको भगवद्गीता में दो पद्धति से समझाते हैं तीन गुण क्या है। एक है जैसे आपने सब चित्र देखे होंगे कि कोई व्यक्ति है, भगवद्गीता में चित्र है कि उसके ऊपर तीन व्यक्तियां है, तीन स्त्रियां दिखाते हैं और वो कठपुतली के रुमान व्यक्ति को नचा रहे हैं और उनके ऊपर भगवान है। तो तीन गुण मतलब ये तीन प्रकार की रस्सियां हैं और यह जो गुणों का लक्षण है या ये जो गुणों की परिभाषा है ये भगवद्गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवान निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमो व्ययम्। बताते हैं कि तीन गुणों से सारे जीव बंध जाते हैं, पर इसके अलावा गुणों की एक और परिभाषा है। गुण के जो दैवी है एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि सारी भौतिक प्रकृति जो है वह तीन गुणों से बनी हुई है। सो थ्री मोड्स आर एक्टिव एजेंट्स ऑफ बॉन्डेज एंड फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ मटीरियल नेचर। तीन गुण दोनों का होता है कि इस भौतिक जगत का जो अस्तित्व है उसका मूल कारण भी तीन गुण है। और इसके लिए हम उदाहरण देते हैं कभी कभी कैसे कि अगर आप कुछ टीवी देख रहे हैं तो वास्तव में जिनको टीवी की टेक्नोलॉजी पता है, तंत्रज्ञान पता है, क्या होता है टीवी के उस स्क्रीन पे केवल तीन रंग आते हैं, तीन रंग के छोटे छोटे डॉट्स आते हैं लाल पीला नीला होता है, लाल हरा नीला होता है, तीन प्रकार के रंग होते हैं और उन तीन रंगों के मिलन से अलग अलग चित्र हमको दिखते हैं। तो वास्तव में वहां पे कुछ नहीं है, सिर्फ तीन प्रकार के लाइट है, तीन प्रकार उसको पिक्सल्स कहते हैं पर उससे सारे चित्र आते हैं। तो उसी तरह से गुण जो है क्या है, ये तीन चीजें हैं सत्व रजस तमस जो सारे भौतिक जगत के मूल है और उसके द्वारा ही सब हर चीज की निर्मिति होती है। पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान। तो इस भौतिक जगत में 13वें अध्याय में 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हम सब प्रकृति से निर्मित जो तीन गुणों प्रकृति के तीन गुणों द्वारा निर्मित जो भी चीजें हैं उनका भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर जो तीन गुण का उल्लेख हो रहा है वो तीन रस्सियों के रूप में नहीं है, वो क्या है, तीन मूलभूत तत्व जो जिनके द्वारा सारे भौतिक जगत की सृष्टि हुई है उसका उल्लेख आता है। तो जैसे कोई धनुष धागे के बिना काम नहीं कर सकता है, वैसे ये तीन गुणों के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यह है तीन गुण बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, वो अनअवॉइडेबल फाउंडेशनल है, मूल है सबका। पर यहां पे बताया कि जैसे धनुष इंद्रधनुष जो हर एक धनुष के लिए आवश्यक है उसके बिना होता है वो, उसी तरह से भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो जो हर एक व्यक्ति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है तीन गुण, भगवान उन तीन गुणों के परे होते हैं। तो अभी कोई कह सकता है कि ये इंद्रधनुष वास्तव में तो एक केवल अगर वैज्ञानिक दृष्टि से पूछेंगे तो ये एक मोह है कि इंद्रधनुष किसी दिखता नहीं है, किसी वास्तव में कुछ अगर हम हवाई जहाज से जाएंगे तो इंद्रधनुष तक पहुंचेंगे नहीं। जैसे आसमान में हमको क्षितिज दिखता है जहां पे आसमान और जमीन मिल रही है, वैसे ही कोई कहेगा इंद्रधनुष भी एक प्रकार का मोह ही है। तो क्या भगवान भी एक प्रकार के मोह है, कि अगर ऐसी तुलना की गई, हर एक तुलना का एक उद्देश्य होता है। तो यहां पे अभी इंद्रधनुष एक हमारे लिए शारीरिक स्तर पर जो हम उसको जाके कुछ छू सकते हैं ऐसी चीज नहीं है, पर इसका मतलब इस तुलना का उद्देश्य क्या है, तुलना का यह उद्देश्य नहीं है कि इंद्रधनुष एक मोह है इसीलिए जो भगवान ही भी मोह है। यहां पे उद्देश्य है
कि इंद्रधनुष जैसे जैसे बाकी धनुष जैसे दिखता है पर अलग है, वैसे भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो बाकी लोगों जैसे ही दिखते हैं पर वो अलग है, उनका दिव्यत्व जो है उस पे जोर दिया जा रहा है यहां पे। तो अभी यह जो है हम तीन तीन विषय पर चर्चा करेंगे मेनली इसमें, कैसे कि देयर इज इमेजिनेशन रियलिटी एंड स्पिरिचुअल रियलिटी, कल्पना, भौतिक सत्य और आध्यात्मिक सत्य, ये तीन स्तर है। और वास्तव में अगर हम ये तुलना करते हैं या हम ये विश्लेषण करते हैं तो जो भी जिन्होंने भी इस भौतिक जगत के बारे में थोड़ा बहुत विचार किया है, वो भारतीय विचारवंत हो, पाश्चात्य विचारवंत हो, कहीं भी हो, वो समझ जाते हैं कि ये जो भौतिक जगत है यह दिस इज नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री प्लेस, यह एक संतुष्टि देने वाली जगह नहीं है। जब हमको बुरे अनुभव आते तो हम कह सकते हैं ये दुखों से भरा हुआ है, पर जब भी वैसे बुरे अनुभव नहीं भी आ रहे हैं तो कम से कम ये कह सकते हैं कि जो भौतिक जगत जो है ये संतुष्टि देने वाली जगह नहीं है। तो अगर ये संतुष्टि देने वाली जगह नहीं है तो हम क्या करें? तो अभी हम वास्तव में इस क्योंकि ये भौतिक जगत संतुष्टि नहीं देता है, तो मानवों ने इतिहास में तीन प्रकार के प्रयास किए हैं इस भौतिक जगत की असंतुष्टि के परे जाने के लिए। एक है कि इस भौतिक जगत के परे जाए, जो कि आध्यात्मिक प्रगति कहलाती है। दूसरा है कि इस भौतिक जगत को और अच्छा बनाए, जिसे हम कहते हैं भौतिक प्रगति। और तीसरा है एक काल्पनिक जगत की निर्मिति करें जिसमें हम खुद को खोजें। काल्पनिक जगत मतलब कोई कला हो सकती है, कोई नाट्य हो सकता है, कोई ग्रंथ हो सकता है, कादंबरी हो सकती है। तो ये जो भौतिक जगत का कम से कम असंतुष्टि पूर्ण जगत होना, इससे राहत सब लोग चाहते हैं। और ये तीन प्रधान पद्धतियां हैं, क्या तो इस भौतिक जगत से ऊपर चले जाओ, या भौतिक जगत है, यहां से आध्यात्मिक चेतना में चले जाओ, या इस भौतिक जगत को ही और अच्छा बनाओ, या इस भौतिक जगत से एक कल्पना की दुनिया में चले जाओ और वहां पे कुछ संतुष्टि प्राप्त करो। अभी जो आजकल का समाज है, एक तरह से हम विश्व के इतिहास में देखेंगे तो पिछले 200-300 साल जो है यह एक तरह से विश्व के इतिहास में एक अपवाद के समान है। लगभग 1700-1800 साल के पहले अगर आप भारत में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो, सब लोग ये समझते थे एक कि ये भौतिक जगत एक क्षणिक जगह है और इसके परे हमें जाना है, और जीवन का उद्देश्य ये है कि इस जगत में हम इस तरह से रहे कि इससे बेहतर दूसरे एक जगत में हम जाए। और यह सब जो भी प्राचीन संस्कृति है उसमें यह भाव है। हर संस्कृति में कुछ कुछ भौतिकवादी लोग हुआ करते थे, पर अधिकांश लोगों की विचारधारा थी ऐसे थी कि इस जगत के हमें परे जाना है। पर जैसे ही विज्ञान की प्रगति होने लग गई तो फिर क्या होने लग गया, लोग कहने लग गए कि विज्ञान के आधार पर नास्तिकवादी भौतिकवादी लोग कहने लग गए कि इस जगत के परे कोई जगत है ही नहीं, वो केवल एक कल्पना है और उसमें हम नहीं जा सकते हैं और जाना भी नहीं है हमको क्योंकि वो कल्पना है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें इसी जगत को बेहतर बनाना है और हमें सारी शक्ति जो है इस जगत को बेहतर बनाने में लगानी है। विज्ञान की शुरुआत जब हुई 16वीं 17वीं आधुनिक विज्ञान की 16वीं 17वीं शताब्दी में, तब अधिकांश वैज्ञानिक भगवान को मानते थे और भगवान की प्राप्ति जीवन का उद्देश्य ये भी मानते थे कि हमें स्वर्ग में जाना है या भगवान के पास जाना है। और वो उस समय सोच रहे थे कि जिस भगवान ने हमको
धर्म दिया है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उन्हीं भगवान ने हमको विज्ञान दिया है भौतिक प्रगति के लिए. द सेम गॉड हु हैज सेंट जीसस फॉर आर स्पिरिचुअल डिलीवरेंस हैज सेंट साइंस फॉर आर मटेरियल डिलीवरेंस. तो ये दोनों एक तरह से साथ जा रहे थे. पर जैसे विज्ञान के द्वारा थोड़ी प्रगति होने लग गई और लोग इस जगत को ही और कुछ हद तक अच्छा बनाने लग गए, तो फिर उनको लगने लगा कि ये दूसरे जगत में जाने की जरूरत क्या है, और दूसरे जगत को उन्होंने कल्पना बना दिया, कल्पना मानने लग गए. तो अभी आजकल अधिकांश लोग इसी भाव में होते हैं कि दूसरे जगत के बारे में ज्यादा कुछ विचार करते ही नहीं है वो, यही हमको यहां पे ही रहना है. वो क्या, बहुत पहले एक हिंदी गाना था, जीना यहां मरना यहां. वैसे वो भाव हो गया है कि हमको यहीं पे रहना है, यहीं पे मरना है, इसके बिना और कुछ है ही नहीं जगत. तो ये जो भाव है, अभी इस भाव से जब लोग जीते हैं तो अधिकांश लोग क्या हो रहा है, खास करके 19वें और 20वें शताब्दी में विज्ञान और तंत्रज्ञान का बहुत प्रॉमिस था कि हम वी डोंट नीड अ स्पिरिचुअल पैराडाइज बिकॉज वी विल क्रिएट अ टेक्नोलॉजिकल पैराडाइज इन दिस वर्ल्ड. हमें एक आध्यात्मिक स्वर्ग की ओर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक तंत्रज्ञान के द्वारा इस जगत में स्वर्ग बना देंगे, वह भाव था. पर 20वीं शताब्दी में दो बहुत घनघोर युद्ध हुए, पहला विश्व महायुद्ध और दूसरा विश्व महायुद्ध. और ये 20वीं शताब्दी में वास्तव में जो युद्ध में जितने लोग मारे गए हैं उतने पूरे पिछले 19 शताब्दियों में मिलके नहीं मारे गए थे. और खास करके जब अणुबम का यूज हुआ जापान के ऊपर अमेरिका के द्वारा, तब जो तंत्रज्ञान के द्वारा हम एक स्वर्ग इस भौतिक जगत पे लाए गए, उसका जो ऐसा जो फुगा था, बबल था, वो बर्स्ट हो गया. अभी इसका मतलब ये नहीं कि लोग अभी भी तंत्रज्ञान के पीछे भागते नहीं है. तंत्रज्ञान, कोई भी नया फोन आता है, नया टीवी आता है, नया कंप्यूटर आता है, तो उसका बहुत भारा, बहुत ग्लैमर होता है, उसका बहुत गुणगान जैसे होता है. पर फिर भी आजकल अभी तंत्रज्ञान से अधिकांश लोग क्या हो अबे, कि उससे ऐसे आशा है कि हम हमारे जीवन को बेहतर बनाएंगे, इस जगत को बेहतर बनाएंगे कि नहीं पता नहीं हमको. टेक्नोलॉजी विल मेक आवर लाइफ बेटर. क्या वो दुनिया को और अच्छा बनाएगा, वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी समस्या आई है और कई समस्या तंत्रज्ञान के कारण ही आई है. तो यह जो भाव है कि हम भौतिक प्रगति करेंगे, यह काफी हद तक चल रहा है. पर आजकल तंत्रज्ञान की प्रगति सबसे अधिक ये भौतिक प्रगति करने के लिए नहीं हो रही है. तंत्रज्ञान की प्रगति सबसे अधिक भौतिक जगत से काल्पनिक जगत में लोगों को ले जाने के लिए हो रही है. अगर 1000 साल बाद कोई, अभी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ऐसे कि जो लोग प्राचीन पहले के लोग कैसे रहा करते थे उसके बारे में संशोधन करते हैं, अगर वैसे कोई थे 1000 साल बाद कोई 20वीं 21वीं शताब्दी में लोग कैसे रहते थे वो ढूंढ रहे हैं, तो उस समय क्या मौल्यवान चीज थी. 10,000 साल पहले शायद किसी के पास कोई सोने का एक मटका था, ऐसे कुछ वो ढूंढते हैं आर्टिफैक्ट्स. तो अगर कोई देखेगा कि 20वीं 21वीं शताब्दी में सबसे सबसे कीमती चीज, सबसे महंगी चीज और सबसे प्रचलित चीज ऐसी क्या है जो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, सो द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट वाइड स्प्रेड आर्टिफैक्ट ऑफ द 21st century विल बी मूवीज. जो मूवी होते हैं अभी, कभी कभी एक मूवी के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, और कितने सारे मूवी बनते रहते हैं. अभी करोड़ों रुपए में तो बहुत कुछ बन सकता है. और आजकल जो एनिमेशन या हाई एफेक्ट्स यूज करके मूवीज बनाते हैं उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए नहीं, करोड़ों करोड़ डॉलर्स भी खर्च हो जाते हैं. तो अभी ये इतना
जो महंगा इतना पैसा मनोरंजन ये मानव समाज में हमेशा रहा है, पर यह जो भाव है कि मनोरंजन के पैसे पीछे इतना पैसा खर्च करना और इतना पैसा खर्च करके क्या करना है कि एक है कि आप सत्य को और अच्छा बनाओ. इट इज वन थिंग टू स्पेंड मनी टू इंप्रूव रियलिटी, इट इज अनदर थिंग टू स्पेंड मनी टू इंप्रूव इल्यूजन. कि मोह को और अच्छा बनाने के लिए पैसा खर्च करना ये कुछ अलग ही चीज है. मेरा अमेरिका में एक लेक्चर था एक यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी का नाम था द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इल्यूजन. जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है वैसे अमेरिका का इंस्टीट्यूट का क्या होगा, संस्था. तो अमेरिका की मोह की संस्था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इल्यूजन. मतलब इल्यूजन मतलब क्या, वो पूरा है कि कैसे हम उसको वो बेसिकली फिल्म में टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में FTII जैसे है वैसा है वो. तो अभी ये भाव क्या है, इसका इसकी विचारधारा क्या है कि सब लोग ये स्वीकार करते हैं कि ये भौतिक जगत ये एक संतुष्टि देने वाला जगह नहीं है, पर इसके बारे में हम क्या करें, यहां पे संतुष्टि नहीं मिल रही है तो क्या करें. अभी इस भौतिक जगत को और अच्छा करना है तो उसको काफी मेहनत लगती है और शायद वो अच्छा होगा भी या नहीं भी अच्छा होगा. अब मेरे पास एक छोटा घर है, मुझे बड़ा घर चाहिए, अभी कब मैं इतना पैसा कमाऊंगा जिससे कि मैं बड़ा घर ला पाऊंगा, वो नहीं हो सकता है. तो मैं एक टीवी पे मूवी देखता हूँ जिसमें जो हीरो है उसका एक बहुत बड़ा घर है और फिर मैं कल्पना करता हूँ कि मैं वो हीरो हूँ और मैं इस घर में रह रहा हूँ. तो अभी मोह जो है यह हमेशा एक तरह से मोह की निर्मिति करना सत्य की निर्मिति करने से आसान है. क्योंकि क्यों आसान है, क्योंकि मोह हम हमारे कल्पना से निर्माण करते हैं, जो सत्य है हमें व्यवहारिक रूप से बड़ी मेहनत करनी पड़ती है. तो ये जो तीन चीजें बताए मैंने, ये भौतिक सत्य है, मोह है और आध्यात्मिक सत्य है. तो आजकल के समाज में अधिकांश शक्ति कहां जा रही है, या तो इस भौतिक जगत को अच्छा करे या उससे अधिक क्या है, इस भौतिक जगत से राहत प्राप्त करने के जो मोह बना रहे हैं उस मोह को अच्छा करें. पर वास्तव में इससे क्या होता है, लोग सत्य से और दूर चले जाते हैं. आध्यात्मिक सत्य से दूर जा ही रहा है पर भौतिक सत्य से भी दूर जा रहे हैं. तो श्रीमद् भागवतम के इसी दशम स्कंद में यह जो है मोह निर्माण करना और मोह निर्माण करने से कैसे व्यक्ति स्वयं मोहित हो जाता है इसके बारे में सुंदर वृत्तांत आता है, और वृत्तांत है वो ब्रह्म विमोहन लीला का. अभी यह ब्रह्म यह श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में अधिकांश रूप से आता है, 13वें 14वें अध्याय में. तो अभी यहां पे क्या हो रहा है, भागवतम का दशम स्कंद जो है उसमें एक विशेष सौंदर्य है, और वो सौंदर्य क्या है कि उसमें भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीला का वर्णन है. और जब ये वृंदावन की लीला का वर्णन हो रहा है तो एक तरह से वह भगवान के मिठास का वर्णन है, कैसे भगवान कितने कितने मधुर लीला करते हैं, उनके मधुरता का वर्णन है. पर कभी कभी हम उस मधुरता में रहते रहते ये भूल जा सकते हैं कि वास्तव में ये भगवान है. तो इसलिए दशम स्कंद में बार बार हमें भगवान की मधुर लीला बताते हुए ऐसी लीलाओं का भी वर्णन आता है कि जिससे भगवान की महिमा का भी वर्णन आता है. भगवान को समझने के लिए दो चीजें हमें समझनी है, उनकी उनका ग्रेटनेस और उनका स्वीटनेस, उनकी महिमा और उनकी मधुरता. तो खास करके भागवतम के दशम स्कंद में उनकी मधुरता का वर्णन है पर साथ साथ उनकी महिमा का भी वर्णन आता है. तो अभी जब यहां पर ऐसे बताया गया है कोई व्यक्ति जो है एक जैसे इंद्रधनुष को काल्पनिक मान लेता है, वैसे वो भगवान को भी एक कल्पना मान सकता है कि ये कोई कृष्ण है, ये काल्पनिक कोई ऐसे किसी कवि ने बनाई ये कहानी, और वैसे सोच के वो अभी कृष्ण इन तीन स्तरों में यहां पे है आध्यात्मिक स्तर में. पर कोई व्यक्ति वो क्या समझ सकता है, जब कृष्ण इस भौतिक जगत में भी आते हैं
तो कोई व्यक्ति उनको समझ सकता है कि ये तो इस भौतिक जगत के नहीं है, तो कहां के हो गए? यहां के हो गए। वो एक कल्पना की उत्पत्ति है। तो अभी जब कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे होते हैं तो कई बड़े बड़े असुरों का वो बड़े आसानी से वध कर देते हैं। जब ऐसा जब वध कर देते हैं वो, तो सारे देवी देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और खास करके जब अघासुर का वध होता है तो फिर उससे वे बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सब आश्चर्यचकित होते हैं, उनमें से सबसे अधिक ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो तभी वे विचार करते हैं कि ये कौन है बालक। और जब वो आके देखते हैं कि ये बालक तो एक छोटा सा मासूम बालक जैसे ही है, और ये तो खेल रहा है। और उस समय कृष्ण क्या कर रहे होते हैं? वह अपने सारे मित्रों के साथ खाना खा रहे होते हैं, और जब खाना खा रहे होते हैं तो क्या करते हैं, कभी कभी वो उनके उनके डिब्बे से कोई और खाना लेता है, वे किसी के डिब्बे से खाना लेते हैं। तो अभी वो ब्रह्मा जी सोचने लगते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान को तो हम सहस्र शीर्ष पुरुष, उनको बड़े अभिषेक, हम बड़े पूजा के साथ उनको भोग लगाते हैं, तो ये भगवान नहीं हो सकते हैं। और यह सोच के फिर वो क्या करते हैं, ये भगवान नहीं है, मैं इनकी कुछ परीक्षा करता हूँ, क्या सही में ये भगवान है या नहीं है। तो वो जब भगवान की परीक्षा करने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, पहले सब ग्वालों को दूर ले जाते हैं। अभी क्या होते हैं कि जानवरों में भी कुछ हद तक स्वेच्छा होती है, हम मानव में स्वेच्छा काफ़ी अधिक होती है, जानवर में स्वेच्छा होती है। अगर वो जान अगर कोई गाय है गैया है वो अगर घास खा रहे हैं, एक जगह पे घास खा लिया तो उसके बाद में वो उनके बाएं हाथ में जो घास है वो खा सकती है या दाएं हाथ में जो घास है वो खा सकती है। अभी कौन सा खाएंगे यह क्या है, वह उनके स्वेच्छा पे निर्भर है। अभी घास सामने है तो गाय ये नहीं सोच सकती कि आज एकादशी है आज मैं घास नहीं खाऊंगी, तो वो स्वेच्छा उनके पास नहीं है। क्या है कि एनिमल्स कैन चूज हाउ टू फुलफिल देयर बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स, ह्यूमंस कैन चूज वेदर टू फुलफिल आवर बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स। कि जो हमारे शरीर से उत्पन्न जो वेग होते हैं, जानवर यही चुनाव कर सकते हैं कैसे मैं उनकी पूर्ति करूं, मानव ये चुनाव कर सकते हैं क्या मुझे इनकी पूर्ति करनी चाहिए, करनी है या नहीं। तो जो स्वेच्छा की मात्रा है मानवों में वो जानवरों से काफी अधिक है। तो अभी गैया घास खा रही होती है, जहां पर घास खत्म हो जाता है तो तभी ब्रह्मा जी ऐसा मोह निर्माण करते हैं कि वो गैयों को लगता है कि यहाँ का जो घास है वो इतना अच्छा नहीं है और वहां पर जो घास है बड़ा अच्छा है। और जैसे वहां पर पहुंच जाते हैं वो तो वहां पर थोड़ा घास खाती है, पर ब्रह्मा जी ऐसे मोह निर्माण करते हैं यहाँ पर भी इतना अच्छा नहीं, वहां पर और अच्छा है। और ऐसे ही घास की खोज में वो गैया कृष्ण के साथ ही होती है, सामने ही होती है, पर वहां से दूर चले जाते हैं। और कृष्ण और ग्वाले बात कर रहे होते हैं, और जब बात कर रहे होते हैं कभी कभी होता है ऐसे कि छोटे बच्चे बड़े नटखट होते हैं, माँ कुछ काम कर रही है और फिर बच्चा कभी वहां पे लेटा हुआ है कुछ खेल रहा है, और एक दो मिनट के लिए माँ कुछ इधर देखती उधर देखती है तो बच्चा गायब हो गया है, कहाँ चला गया, यहाँ पे नहीं है वहां पे नहीं हुआ है, तो फिर एकदम चिंता हो जाती कहाँ चला गया ये बच्चा। तो वैसे ही कृष्ण भी बैठ के खाना खा रहे होते हैं, मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं और कोई बाजू में बैठा हुआ है और हम देखते हैं अचानक गायब हो गया है, कहाँ चला गया। तो अभी ये गैया जो होती है वो एक तरह से नटखट होती है, पर यहाँ पे ये नटखट्टा होती है केवल नटखट्टा के कारण वो दूर नहीं चले जाते। यहाँ पे क्या होता है, अभी बच्चा खेलते हुए इधर चले जाएंगे पर कोई बच्चे को बोलता है मैं तुमको चॉकलेट देता हूँ, और वो चॉकलेट को दिखाते दिखाते बच्चे को दूर ले जाते हैं। तो बच्चा अपने खेलकूद में थोड़ा बहुत दूर चला जाएगा पर वो चॉकलेट के मुँह से शायद बहुत दूर भी चला जाएगा। कोई किसी को बच्चे को भगाना चाहता है तो ऐसे कुछ मुँह दिखा सकता है वो। तो यहाँ पे ये गैया जो होती है वो, क्योंकि ब्रह्मा जी वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से नहीं होते हैं, पर ब्रह्मा जी ऐसा मोह निर्माण करते हैं कि वहाँ पर जो घास है वो यहाँ से अच्छा है, और वहाँ पे आते तो यहाँ का नहीं वहाँ का घास और अच्छा है। और ऐसे अच्छे हरे और हरे हरे घास के खोज में वो वहाँ से काफ़ी दूर चले जाते हैं। और जब कृष्ण ग्वाले देखते हैं अरे ये कहाँ है सब, तो सब ग्वाले जो होते हैं विचलित हो जाते हैं,
और विचलित होकर कहते हैं कि हम ढूंढने जाएंगे। तो तभी कृष्ण कहते हैं तुम बैठे रहो, मैं ढूंढ लूंगा उनको, तुम खाना खाओ। तो कृष्ण जो होते हैं वह अपने जो चाहते हैं कि अपने सारे सखा है वो अपने अन्न का ग्रहण करे, भोजन पान करे, और वो उसके एक सेवा भाव में होते हैं। कृष्ण कहते मैं ढूंढता हूँ। तो फिर वो ढूंढने निकलते हैं और ढूंढते और जाते हैं, काफी दूर चले जाते हैं, पर कहीं भी उनको गैया दिखते नहीं है। और फिर वो जब वापस आते हैं तो क्या होता है, उस समय तक ब्रह्मा जी ने अपना मोह इधर भी कर लिया है। और ब्रह्मा जी मोह क्या करते हैं, वो सारे ग्वाले जो होते हैं उनको सुला देते हैं, और फिर सुला कर अपनी शक्ति के द्वारा वो उनको एक गुफा में छिपा देते हैं। तो अभी यहां क्या किया है उन्होंने, वृंदावन में ब्रह्मा जी ने एक मोह कर दिया है। अभी ब्रह्मा जी जो है एक तरह से वह एक देवता है, एक तरह से देवताओं में सबसे वरिष्ठ देवता है वो, और देवताओं को जो परेशानी भी होती है तो वो उनके पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी जो होते हैं, जब वो इस प्रकार का मोह निर्माण करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मोह होता है, मोह भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है। सात्विक मोह हो सकता है, राजसिक मोह हो सकता है, तामसिक मोह हो सकता है, मोह में भी दर्जा हो सकता है। मतलब कोई मूवी देखना जाता है, कोई तभी मूवी को कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें केवल हिंसा और अश्लीलता है, और वो तामसिक हो सकता है। कुछ ऐसे मोह हो सकता है जिसमें केवल रोमांस वगैरह है, तो फिर वो राजसिक होगा। पर कुछ ऐसे मोह होता है जिसमें कुछ प्रेरणादायक कहानियां होती है, जिससे थोड़ा हमको हमारे जीवन को अच्छे मूल्य सीखने को मिलते हैं, तो वो एक सात्विक मोह होता है। तो अभी हमने तीन चीजें बताई कि ये जो है ये हमारी भौतिक जगत है, ये आध्यात्मिक जगत है, और ये काल्पनिक जगत है। तो इस दृष्टि से जब बताते हैं हम, तो क्या है, काल्पनिक और आध्यात्मिक बहुत दूर है, एक विपरीत है। पर वास्तव में ये ऐसे जरूरी नहीं है। ये ऐसे हो सकता है कि कल्पना से भी हम भगवान के पास जा सकते हैं। रियलिटी इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन, बट रियलिटी लीव्स अ लॉट ऑफ रूम फॉर इमेजिनेशन। कि सत्य यह है, कल्पना की उत्पत्ति नहीं है। मतलब परम सत्य आध्यात्मिक जगत भगवान जो है, यह परम सत्य है, यह कुछ कल्पना की निर्मिति नहीं है यह। पर हम जो सत्य है, सत्य की ओर पहुंचने के लिए हम कल्पना का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जब हम कृष्ण लीला पे कुछ नाटक करते हैं, खास करके अभी हमारे संप्रदाय गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जो है नाट्य पे बहुत जोर दिया गया। अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, खास करके उसके अंत लीला, तो उसमें कई बार ऐसे वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद कह रहे हैं कि जो भक्त है वो नाट्य और काव्य में बड़े निपुण होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जब आए थे, तो उस समय बंगाल में नाट्य और काव्य बहुत प्रचलित था। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों ने क्या किया, जो कल्पना का माध्यम उस समय बड़ा प्रचलित था, उसका इस्तेमाल किया क्या करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए, भगवान की अनुभूति देने के लिए। और हमारे आचार्यों ने कई नाटक लिखे हैं, चैतन्य चंद्रोदय नाटक है, ललित माधव, विदग्ध माधव, और ऐसे अनेक नाटक है। और नाटक किस तरह से लिखने हैं इसके भी नियम होते हैं। तो उसको एक ग्रंथ, नाटक चंद्रिका नाम का ग्रंथ है, उसमें रूप गोस्वामी लिखा है, बलदेव विद्याभूषण ने उस और विस्तारित वर्णन किया है। और इसमें भाव क्या है कि साधारणतः जब कोई कोई सात्विक ग्रंथ लिखता है, सात्विक मोह की निर्मिति करता है, ऐसे कहते हैं फिक्शन इज अ अनरियलिटी दैट गिव्स यू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। क्या है, जो अच्छा फिक्शन जो है, कोई अच्छी कादंबरी जो है, वो कल्पना होती है, पर वो ऐसी कल्पना होती है
जो आपको सत्य की और अच्छी समझ दिलाते हैं। क्या क्यों अच्छी तरह समझ दिलाते हैं? क्योंकि क्या है कि जैसे बताया कि इस भौतिक जगत में जो जीवन होता है वह तो अधिकांश रूप से कुछ ज्यादा रुचिकर नहीं होता है, बोरिंग होता है। अगर मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि आप सुबह से रात तक जो भी कार्य करते हैं उसका हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, और 24 घंटे आपने जो कार्य किया है वो अगले दिन आप बैठ के देखो, तो खुद ने ही पिछले दिन क्या किया वो देखते बैठेंगे तो हम बोर हो जाएंगे। क्या हमारा खुद का भी जीवन इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है कि हम उसका दिन भर उसके बारे में चिंतन कर सके? तो क्या होता है कि ऐसे कहते हैं लिखने एडिटिंग जब करते हैं, आप लिखते हैं तो एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? संपादक। ओके, संपादक एडिटर होता है, पर ठीक है। तो एडिटिंग, एक्सपर्ट एडिटिंग मीन्स टू रिमूव द पेजेस दैट द रीडर्स विल स्किप। अच्छा संपादक क्या, संपादक कौन होता है? वह सारे पन्नों को निकाल देता है जो 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 पढ़ने वाले हैं जो उनको स्किप करेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे। तो क्या जो फिक्शन है उसमें क्या होता है, लोगों का पूरे जीवन का वर्णन नहीं होता है, जो जीवन के इंटरेस्टिंग चीजें हैं उनका वर्णन होता है, और उसके कारण इट इज अनरियलिटी, क्योंकि सबका जीवन ऐसा नहीं होता है, बट इट इज अनरियलिटी दैट कैन गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। तो ये जो है, ये जो कोई अच्छी कादंबरी लिखते हैं उसके द्वारा मोह होता है, पर मोह से सत्य की और अच्छी समझ हमें आती है। और यह जो भाव है ये भौतिक सत्य के लिए भी लागू होता है, पर यह आध्यात्मिक सत्य के लिए लागू होता है। अभी जब हम भगवान के विग्रहों का आभूषण करते हैं कजा, तो क्या भगवान आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल जैसे हमने यहां पे सुशोभित किया है वैसे ही है? अभी भगवान असीमित है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, अनंत रूपम, उनके अनंत रूप है। और भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है ब्रह्मा जी के प्रार्थनाओं में ही, दशम स्कंद में नहीं, तीसरे स्कंद में, वहां पे कहते हैं यद यद्धि यात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपु प्रणीयसे सद अनुग्रहाय, कि हे प्रभो आप इतने अनुग्रह करते हो, आप इतनी कृपा करते हो अपने भक्तों पे, यद यद्धि यात उरुगाय विभावयन्ति, तो जिस जिस रूप में आपके भक्त आपकी कल्पना करते हैं, आपके बारे में विचार करते हैं, आपका चिंतन करते हैं, आप उसी रूप में उनके सामने प्रकट होते हो। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं कि अ डिवोटी शुड, कि भक्त को कल्पना करनी चाहिए कि उनके हृदय में एक महल है और उस महल में एक सिंहासन है और उस सिंहासन पे उन्हें भगवान को विराजमान करना है। और फिर भगवान कहते हैं यू शुड इमेजिन लाइक दिस बट नो दैट इट इज नॉट इमेजिनेशन, ऐसे आप कल्पना करो पर ये कल्पना नहीं है। क्यों ये कल्पना नहीं है? वास्तव में एक तरह से कल्पना ही है, हमारी काल्पनिक शक्ति इस्तेमाल करके हम इसे विचार कर रहे हैं, पर ये क्या है, ये ऐसी कल्पना है जो हमें आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जा रही है। अभी ऐसी कल्पना हो सकती है जो हमें आध्यात्मिक सत्य से दूर भी ले जा सकती है। तभी जब ब्रह्मा जी मोह निर्माण करते हैं तो उनका मोह ऐसे होता है क्योंकि वे खुद सत्वगुण में हैं, तो वो जब मोह निर्माण करते हैं तो उनका मोह भी एक तरह से सात्विक होता है। तो उस मोह में क्या करते हैं, वह ग्वालों और बच्चों को दूर भेज देते हैं, वो दूर ले जाते हैं, तो और फिर कृष्णा लेकर क्या हो गया यहाँ पे? तो अभी क्या होता है कि इस भौतिक जगत में जो मोह निर्माण होते हैं, अलग अलग प्रकार के मोह हो सकते हैं। एक है कि भौतिक जगत में कोई बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो मोह निर्माण कर सकते हैं। अभी कोई भी मूवी हो, तामसिक मूवी बनाना है तो तामसिक मूवी बनाने के लिए भी बुद्धिमत्ता लगती है। क्यों, क्या होगा अगर वो बुद्धिमत्ता से नहीं बनाया है तो वो मोह से भी लोग बोर हो जाएंगे। कई बार जब मूवी होता है वो फ्लॉप हो जाता है, मतलब क्या है, ये मोह अच्छा नहीं था। ये मोह इतना अच्छा नहीं था कि हमको देखने में कुछ रुचि नहीं है। तो
अभी मोह की निर्मिति के लिए भी बुद्धि लगती है, तो ब्रह्मा जी ऐसा मोह कर देते हैं कि वो ग्वालों को और वो बछड़ों को पूरा गायब ही कर देते वहां से। पर क्या है, सब मोह की निर्मिति करने में भी भगवान सबसे माहिर है। द्यूतम छलयताम अस्मि, भगवान कहते हैं कि अगर आप बेईमानी करोगे तो बेईमानी करने वालों में भी सबसे निपुण मैं ही हूं, सबसे दक्ष मैं ही हूं। तो फिर भगवान ऐसा मोह निर्माण कर देते हैं कि जिससे कि वह खुद को विस्तारित कर देते हैं। तो वो खुद को विस्तारित कर देते, जो भी ग्वाले गायब हो गए हैं और जो भी बछड़े गायब हो गए उनके रूप में। और जब ब्रह्मा जी वापस आते हैं, ये विस्तारित लीला है पर हम इस तत्वज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं इसलिए पूरी लीला पे वर्णन नहीं करेंगे हम। पर जब वहां पे वो वापस आ जाते हैं ब्रह्मा जी, तो देखते हैं क्या हो गया ये, अरे यहाँ पे अभी तक ये सब, वो सोचे थे कि मैंने यहाँ पे मोह निर्माण कर दिया, सारा उपद्रव हो गया यहाँ पे, पर वहां पे कुछ भी उपद्रव नहीं होता है। से मान लीजिए अभी आजकल कश्मीर में बड़ा चिंता हो रही है, वहां पे कोई आतंकवादी आक्रमण करने वाले हैं या कुछ हो रहा है, तो बड़ी चिंता है वहां पे। तो कोई मान लीजिए कोई आतंकवादी है, कोई किसी जगह पे बम लगा देता है और वो टाइम बॉम्ब है, और वहां पे वो अपेक्षा करता है कि वहां पे एक विस्फोट हो जाएगा। तो व्हेन यू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस एंड देयर इज नो डिस्टर्बेंस, देन यू गेट द डिस्टर्बेंस। जब कुछ को डिस्टर्ब करना चाहते हैं और वो डिस्टर्ब नहीं होता है तो क्या होता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं उससे। अरे कुछ हुआ क्यों नहीं यहां पे, आप बटन दबाते हैं और वहां पे बॉम्ब विस्फोट होता है, बॉम्ब विस्फोट होता ही नहीं, अरे क्या हो गया। तो वैसे ही क्या होता है, ब्रह्मा जी वहां पे वो डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं और कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, सब बछड़े और ग्वाले बिल्कुल वैसे के वैसे ही वहीं पे है। ये देख के क्या होता है, ब्रह्मा जी डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे क्या हो गया ये। और फिर जब ऐसे को बम का विस्फोट नहीं हुआ है तो क्या, किसी ने बम निकाल दिया या क्या हो गया। तो ऐसे ब्रह्मा जी विचलित होकर देख रहे होते हैं, और तभी भगवान क्या करते हैं कि कृष्णा यूजेस एन इल्यूजन विद इन एन इल्यूजन टू शो द रियलिटी। क्या हुआ है, ब्रह्मा जी ने एक मोह निर्माण किया है, क्या सारे ग्वालों को वो दूर ले जाते हैं, तो वो सारे ग्वालों को दूर लेके गए हैं, उसमें कृष्ण एक मोह बनाते हैं कि सारे ग्वाले वहीं के वहीं वहीं पे है। और फिर वो जो इल्यूजन विद इन एन इल्यूजन है, मोह के अंदर एक मोह है, उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो खुद को प्रकट करते हैं और वो दिखाते हैं कि सारे जो जीव, सारे जो बछड़े और ग्वाले हैं वो वास्तव में उनके विस्तारित रूप है। पर यहां पे एक विशेष बात है, क्या करते हैं, कृष्ण जब विस्तार करते हैं तो ऐसे नहीं दिखाते हैं कि वे सब कृष्ण के विस्तारित रूप है, वो दिखाते हैं कि ये सब विष्णु मूर्ति है, पर ये सारे विष्णु मूर्ति जो है कृष्ण से बाहर आ रही है, कृष्ण से उत्पन्न हो रही है। अभी ऐसा क्यों दिखाते हैं, क्योंकि क्या है, पहले से ब्रह्मा जी को संशय था ये कृष्ण सही में भगवान है कि नहीं। ब्रह्मा जी को ऐसा संशय नहीं था कि भगवान है या नहीं है, वो तो उनको पूरा विश्वास था। और उनकी जो अधिकांश पूजा वगैरह करते थे वो विष्णु की पूजा करते थे, विष्णु की याचना करते थे, जब भी समस्या होती थी तो विष्णु की याचना करते थे। तो उनको जो भगवान की महिमा और ऐश्वर्य का दर्शन था वो विष्णु के रूप में था। तो अभी यहाँ पे जब वो देखते हैं कि सारे विष्णु मूर्ति कृष्ण से आ रही है, तो एते चामशः कला पुंस कृष्णस्तु भगवान इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही सारे अवतारों के स्रोत है, वो अवतारी है। जब ये देखते हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी पहले तो बिल्कुल मोहित हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है पहले। और फिर जब उनको समझ में आता है तो फिर वो भगवान के सामने आके गिर जाते हैं और भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। और जब भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हैं उसमें पहले वो भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं, फिर बाद में वृंदावन की मधुरता का वर्णन करते हैं, फिर याचना करते हैं कि हे प्रभो
कृपया आप मुझे आपके इस वृंदावन में कुछ स्थान दे दीजिए, ये सारे ब्रजवासी इतने महान हैं, कृपया मुझे इनके चरण कमलों का रज की मुझे याचना है, कि याचना करता हूं मैं। तो यहां पे क्या होता है कि ब्रह्मा जी एक मोह निर्माण करते हैं, पर भगवान उससे बड़ा मोह निर्माण करते हैं, और इस मोह में क्या करते हैं, वो परम सत्य का दर्शन कराते हैं। तो हमारे सबके जीवन में एक तरह, क्योंकि ये भौतिक जगत जो है वह कुछ ज्यादा रुचकर नहीं है, ज्यादा इसमें रुचि या आनंद देने वाली चीज नहीं है, तो हम सब इससे राहत की प्राप्ति राहत चाहते हैं। तो अधिकांश जगत क्या है, यहां से ऐसी कल्पना की ओर जा रहा है जो सत्य से उन्हें दूर ले जाता है। पर जब हम भक्ति में आते हैं और भक्ति के कार्य जब हम करते हैं, तो हमें उसी कल्पना की शक्ति को इस्तेमाल करना है, पर इस तरह से इस्तेमाल करना है कि हमें कल्पना सत्य की ओर ले जाए। विकल्पना सत्य की ओर ले जाए मतलब क्या, कि भक्ति मतलब केवल आके मंदिर में आके भगवान का जप करना या भगवान की पूजा करना ऐसे नहीं है, जरूर वो है, पर हमारी सारी जो क्रिएटिव एनर्जीज है, रचनात्मक शक्तियां है, उन सबको भगवान के गुणगान में लगाना है। तो जो भी हमारी रचनात्मक शक्तियां है, तो जिस भगवान का श्रृंगार करते हैं तो इतनी सुंदरता से वो श्रृंगार करना है कि उससे हमारा मन, उससे हमारा हृदय उनकी ओर आकर्षित हो जाए। जब भगवान की अभी जन्माष्टमी आ रही है तो हम कुछ नाटक करते हैं, तो जब नाटक करते हैं वो इतना अच्छे से करना है कि हमारी चेतना भगवान में चली जाए। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की कथा का वर्णन करते हैं, तो इस तरह से करना है कि हम उसमें आकर्षित हो जाए, हमारा मन उसमें लग जाए। तो इसके लिए दो चीजें आती है जिसके साथ मैं अंत करूंगा, कि अभी हमारी चेतना इस भौतिक जगत में है और भौतिक जगत से हमको आध्यात्मिक जगत को चेतना को ले जाना है। तो ये चेतना जो है, हम अभी इस भौतिक जगत में कई चीजों से आकर्षित हो सकते हैं। कुछ आशा हो सकती है कि मुझे ये भौतिक जगत को अच्छा बनाना है, मुझे अच्छा घर चाहिए और अच्छी नौकरी चाहिए और अच्छा ये चीजें करनी है। अभी ये एक स्वाभाविक इच्छा है, ऐसे नहीं कि उसको पूरा त्यागना है। और हम सबको इस भौतिक जगत से राहत के लिए कुछ हम चाहते हैं, तो हमें, हम जो भी कर रहे हैं वो इस तरह से करना है कि हमारी चेतना भगवान की ओर प्रगतिशील रहे। और ये भगवान की ओर जो हमारी चेतना जाती है वो दो पद्धति से जाती है, स्मृति और स्फूर्ति। स्मृति मतलब क्या, स्मृति इज कॉन्शियंशियस रिकलेक्शन, स्फूर्ति इज स्पॉन्टेनियस रिकलेक्शन। जो स्मृति है मतलब क्या है, हम प्रयास करके भगवान के बारे में विचार करते हैं, हम प्रयास करके भगवान पे चिंतन करते हैं। तो हम जब जप करने का प्रयास करते हैं तो मन लगता नहीं है, पर हम मन लगाने का प्रयास करते हैं, इधर उधर मन सब भागता है पर उसको लाते हैं। जो स्मृति है यह साधना भक्ति की प्रधान विधि है। स्मर्तव्य सततम विष्णु स्मर्तव्य न जातु चेत, आप सदैव भगवान का स्मरण करने का प्रयास करो, भगवान को न भूलो। पर जब हम इस तरह से कर रहे होते हैं साधना भक्ति, तो जो स्मृति है वो असेंडिंग होती है, जो स्फूर्ति है वो डिसेंडिंग होती है। स्मृति मतलब हम प्रयास करके भगवान का स्मरण करते हैं, पर जो स्फूर्ति होती है वो भगवान की कृपा से आ जाती है। कभी कभी हम जप करते हैं तो कभी कभी जप में इतना मन लग जाता है कि ऐसे लगता है कि जप कभी खत्म ही ना हो, और कभी कभी ऐसे होता है जप करते हैं लगता है कि जप कभी खत्म ही नहीं होता है। तो क्या होता है जब ऐसे लगता है जब कभी खत्म ही नहीं होता है, मतलब तभी क्या है, हमें प्रयास करना है। यतो निश्चयति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमयेतत् आत्मन्येव शमनय, जहां भी मन भागता है उसको भगवान में लगाओ। पर हम सबको भी कभी कभी ऐसे अनुभव होता है कि भगवान की कृपा से हम उनके उनके स्मृति में एक तरह से मग्न हो जाते हैं। हम शायद दर्शन करने आते हैं, पर कभी कभी दर्शन करते हैं तो इतना आकर्षक लगता है भगवान का दर्शन कि हम कभी सब कुछ भूल जाते हैं। हम कीर्तन करते हैं पर कभी कभी कीर्तन में ऐसा मन लग जाता है, लगता है कुछ
ये अलग ही अनुभूति हो रही है। तो ये जो स्फूर्ति है, जब हम साधना भक्ति कर रहे होते हैं तो शायद 99% या 99.99% जो होती है वो हमको स्मृति करनी पड़ती है, को प्रयास करना पड़ता है। पर कभी कभी ऐसे एक झलक आ जाती है कि एकदम मन भगवान में लग जाता है, वो क्या है, स्फूर्ति है। और तभी हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, तभी अपने आप मन भगवान में लग जाता है। और तभी क्या होता है, बड़े दिव्य दिव्य आनंद की, दिव्य शांति की, दिव्य भावनाओं की अनुभूति होती है। और जैसे हम प्रगति करते रहते हैं, जैसे शुद्ध होते रहते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे जो है स्मृति की मात्रा कम हो जाएगी, स्फूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी। प्रयास तो हमेशा ही करते रहना पड़ता है हमें। से जो जो दिव्य आनंद होता है उसकी शुरुआत कैसे होती है, यत्तद अग्रे विषम इव परिणामे अमृतोपमम। पहले जो होता है उसमें एक विष के समान होता है, पर बाद में अमृत आता है। तो ये पहले विष क्यों होता है, क्योंकि मन लगता नहीं है भगवान में। हमें मन लगा रहे भगवान में, पर 100,000 चीजें उससे और आकर्षक हमको लगती है, तो फिर भी हमको मन लगाना है। तो वो प्रयास है, जहां पे मन भाग रहा है उससे हम मन भगवान में लगाते हैं, ये एक प्रयास है। और यह है, वो जहर के समान लगता है। पर क्या होता है, जितना हम प्रयास करते हैं तो उतना वो हम शुद्ध हो जाते हैं, फिर ये जहर की मात्रा कम होने लगती है और अमृत और अधिक हम आसानी से महसूस कर सकते हैं, अधिक मात्रा में अधिक समय तक महसूस कर सकते हैं। और फिर जो हम शुद्ध हो जाते हैं तो तभी क्या होता है, ये अत्यंत अग्रे विषय में परिणाम है अमृतमम नहीं रहता है। चैतन्य महापुरुष जैसे बताया है, पूर्णामृतास्वादनम, कि ऐसे पहले जहर और फिर अमृत नहीं, पर हमेशा ही अमृत। उस स्थिति पे जब हम आते हैं तभी सुसुखम कर्तुमव्यं पूर्णामृतास्वादनम, तभी जो है इस भौतिक जगत में भी हम आध्यात्मिक अनुभूति सदैव कर सकते हैं। और उस स्तर पर अगर हम आ जाते हैं तो उस स्तर से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति केवल काल से हमें फर्क रहता है। ऑलरेडी हम आध्यात्मिक चेतना में आ गए हैं और आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति जरूर हमें हो जाएगी। तो अभी हम इस भौतिक जगत में हैं, पर अगर हम स्मृति करते रहेंगे भगवान की, हमारे हमको स्मृति करनी है, ये जो है हम हमारे कल्पना का इस्तेमाल करके भगवान की स्मृति कर सकते हैं, हमारे भौतिक जगत को परिवर्तित करके भगवान की स्मृति को बढ़ा सकते हैं। हमारा घर है, पर घर में जितने हम भगवान के चित्र रख सकते हैं, भगवान का कीर्तन रख सकते हैं, तो इस भौतिक जगत को भी हम परिवर्तित करते हैं जिससे कि भगवान की स्मृति बढ़ सके। कल्पना हमारी क्रिएटिविटी रचनात्मकता है, उसको भी इस्तेमाल करते हैं जिससे भी हम हमारी चेतना भगवान की ओर लाते हैं, और अंत में भगवान हमारी चेतना को ऊपर उठा लेते हैं। तेषां अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम। जो मुझ में मन लगाते हैं उनका खुद उनको मैं खुद उद्धार कर लेता हूं, भगवान कहते हैं। तो सारांश में आज हम चर्चा की किस तरह से कि कल्पना और सत्य में क्या संबंध है। और ये जो यहां पे श्लोक बताया गया है, ये फ्रॉम नेचुरल साइट्स टू स्पिरिचुअल इनसाइट्स, निसर्ग की दृष्टि से आध्यात्मिक सत्य के ओर कैसे प्रगति कर सकते हैं उसका वर्णन है। और यहाँ पे एक ऐसा उदाहरण दिया है जो काल्पनिक लग सकता है, पर वह एक आध्यात्मिक उदाहरण है। जैसे हमको बालिश में इंद्रधनुष दिखता है जो जिसमें कोई धागा नहीं है, वैसे ही इस भौतिक जगत में भगवान प्रकट होते हैं, पर भगवान तीन गुणों से परे है। तो जैसे धागे के बिना कोई धनुष काम नहीं कर सकता है, वैसे ही तीन गुणों के बिना कोई भी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तीन गुणों का दो अर्थ होते हैं, जो रस्सी हमें बांधते हैं, और जो मूल तत्व है इस भौतिक जगत की निर्मिति के लिए। जैसे कोई टीवी पे कोई देख रहा है जो तीन रंग जो होते, वैसे तो यहाँ पे तीन गुणों का उल्लेख वो तीन रंगों के समान किया गया है टीवी पे। तो यहाँ पे ये उदाहरण है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि इंद्रधनुष काल्पनिक है और भगवान भी काल्पनिक है, पर क्या है कि इंद्रधनुष दिखता है पर जैसे बाकी सब दिखते हैं धनुष, वैसे नहीं है भगवान, दिखते हैं पर वैसे नहीं है। तो उसकी उसी पे हमने चर्चा की किस तरह से कि हम ये भौतिक जगत कभी भी संतुष्टि प्रदान नहीं करता है, इसलिए लोग तीन प्रकार के प्रयास करते हैं इस भौतिक जगत की संतुष्टि से, कि असंतुष्टिपूर्ण स्वभाव के का प्रतिकार करने के लिए। एक है आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति करो, आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करो। दूसरा है
इस भौतिक जगत को अच्छा बनाओ, और तीसरा है एक काल्पनिक जगत की निर्मिति करो और वहां पे राहत प्राप्त करो। तो जैसे ही वैज्ञानिक और तंत्रज्ञानिक प्रगति हुई तो लोगों ने जो आध्यात्मिक जगत है उसको कल्पना मान लिया, और फिर भौतिक जगत को और अच्छा बनाने का प्रयास किया, पर उसमें काफी समस्या है, उससे काफी समस्याएं आ रही है। तो अभी अधिकांश तंत्रज्ञान की प्रगति क्या है, और अच्छा मोह बनाने में है। और ये 20वीं-21वीं शताब्दी का सबसे सबसे महंगा और सबसे प्रचलित अगर कोई आर्टिफैक्ट होगा तो वो मूवीज हो गए। तो इतना मोह क्यों बनाने में लोग लगे हुए हैं, क्योंकि वो भौतिक जगत संतुष्टि पूरा नहीं करता है, और यहाँ पर जाने की आध्यात्मिक ओर जाने की जानकारी नहीं है, तो इसमें जा रहे हैं लोग। तो मोह से, मोह साधारणतः भगवान से हमें दूर ले जाता है, पर कल्पना के द्वारा हम भगवान के करीब कैसे आ सकते हैं उसके बारे में हमने ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में चर्चा की। किस तरह से ब्रह्मा जी ने एक मोह निर्माण किया, पर भगवान ने उसी मोह का इस्तेमाल किया किस लिए, ब्रह्मा जी को सत्य दिखाने के लिए। तो ब्रह्मा जी का उद्देश्य एक तरह से भगवान का परीक्षण करना था, पर दूसरा भगवान के महिमा दूसरों को दर्शाना था, तो भगवान ने उसका ही इस्तेमाल किया। तो उसी तरह से हम भी हमारी कल्पना का इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान के करीब जाने के लिए। किस तरह से, हमने देखा कि हमारी कल्पना का इस्तेमाल करके हम स्मृति कर सकते हैं भगवान की, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमारे भौतिक जगत में कार्य करते हैं भगवान की स्मृति करने का प्रयास करते हैं। और जब इस तरह से हम स्मृति कर रहे हैं तो जैसे भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जो मोह किया था उसके इस्तेमाल करके उन्हें सत्य का दर्शन करा दिया, वैसे हमारी ही स्मृति में भगवान कभी स्फूर्ति ला देंगे। स्मृति मतलब हम प्रयास करके भगवान का स्मरण कर दें, स्फूर्ति मतलब भगवान की कृपा से एक एक, एक बाढ़ के समान उनके बारे में विचार, उनके बारे में भावनाएं हमारी चेतना को आप्लावित कर देती है, और हम दिव्य चेतना दिव्य आनंद में स्थित हो जाते हैं। जैसे हम प्रगति करेंगे तो हमारे भगवान की चेतना है उसमें पहले अधिकांश मात्रा में स्मृति होगी, पर धीरे धीरे स्फूर्ति बढ़ जाएगी। जब तक हम साधना भक्ति कर रहे हैं तो स्मृति ज्यादा होती है, तो इसलिए पहले जहर बाद में अमृत होता है, पर जितना हम शुद्ध हो जाएंगे तो स्फूर्ति की मात्रा बढ़ जाएगी, और फिर जो वहां पे पूर्णामृतास्वादनम, सदैव अमृत का आस्वादन हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम लोग भगवद गीता में इस जगत का स्वरूप देखते हैं, दुखालयम अशाश्वतम ऐसा बताया जाता है, लेकिन वैदिक उक्ति ये भी है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख, कोई दुखी नहीं हो, ये भाव होता है। तो इन दोनों का मेल कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं? अच्छा सवाल है कि अगर एक तरह से शास्त्र में बताया गया है कि हमें सबको कि ये जगत दुखालय ही है, यदि जगत दुखालय है तो सब सुखी हो, ये भाव कैसे आता है? ये कैसे है कि डिस्ट्रेस इज अ फीचर ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नॉट द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड। कि जो दुख है ये इस जगत का एक लक्षण है, जगत का उद्देश्य नहीं है। और इसका उदाहरण हम दे सकते हैं, एक अस्पताल। अभी अस्पताल में सब लोग बीमार है, सब लोग एक तरह से पीड़ा में है, पर डॉक्टर की इच्छा क्या होती है, सब लोग ठीक हो जाए। जैसे डॉक्टर की सब बीमार है, सब बीमार रहे ऐसी इच्छा नहीं होती, कुछ डॉक्टरों की हो सकती है जो अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं पर अधिकांश डॉक्टर की इच्छा होती है कि लोग ठीक हो जाए। तो अभी उसी तरह से इस भौतिक जगत में दुख तो है, पर दुख का अधिकांश कारण है हम कह सकते हैं स्वार्थी इच्छाएं, जो दूषित इच्छाएं, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य। हम देखते हैं इस जगत में भी जितनी लोगों की इच्छाएं खराब होती है उतना उनका जीवन भी खराब हो जाता है। कोई अच्छा जीवन जी रहा है पर वो अगर शराब की उसको आदत लग जाती है तो इस भौतिक जगत में भी जो उसका जीवन है जितना उससे और खराब हो जाएगा।
अगर वो उसको शराब का व्यसन लग गया तो क्या है, तो दुनिया ये इसमें दुख है, पर वो दुख कितने ज्यादा हो गए या कितने कम हो गए उस पर हमारा कुछ हद तक नियंत्रण है। कुछ लोगों का ऐसा जीवन हो सकता है उसमें दुख, वो कितना भी अच्छा कार्य करे दुख होता ही है, पर हक्का किसी भी परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया अगर उचित नहीं होगी, अनुचित होगी, तो हमारे दुख को और बढ़ा भी सकते हैं। तो सर्वे जना सुखिना भवंतु या जैसे जो इच्छाएं हैं शास्त्रों में, ऋग्वेदाओं में, या आशीर्वाद या इच्छा हम कह सकते हैं, वो क्या है कि मतलब लोग इस तरह से जीवन जिए कि वो कम से कम दुख के अनुभव करे, या इस दुख के दुख जगत में जो दुखों के कारण हैं उनसे परे आ सके। मतलब जो रुग्ण है वो अच्छी तरह से दवाई लेके वो अस्पताल से बाहर जा सके। तो धर्म है, धर्म के द्वारा अगर धर्म अच्छी तरह से कोई अनुशीलन करता है तो वह दुखों के से परे आ सकता है। तो इसीलिए भगवान जो कहते हैं ये दुखालय शाश्वत है, इस उसी जगत में भगवान धर्म संस्थापना था ये संभवामि युगे युगे आते। तो जो इतना धर्म के अनुसार लोग जिएंगे तो उतना वैसे अस्पताल में दवाई ले रहे हैं तो उतना वो ठीक हो जाएगी। ओके, थैंक यू। यस मतलब माइक है वहां पर। Roji, thank you so much. It was such a wonderful class. Actually, धार्मिक कार्य करते हुए भी कई बार इतनी मुश्किलें आती हैं. So, if we consider this, that already in Kaliyuga, coming to bhakti is rare. Then, after coming to bhakti, we realize that we have a purpose in life and we should be doing it. So we try to do that. Even doing that, there are so many challenges. So we sometimes feel, you know, Krishna does help. It's not that he doesn't help, but the challenges become so overpowering. So what exactly should be our thought to continue with the fight? तो हम भक्ति भी करते हैं, पर कलयुग में भक्ति बड़ी दुर्लभ है और भक्ति करते हमें बड़ी समस्याएं आती है। तो कृष्ण मदद तो करते हैं पर फिर भी हमें संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी मुश्किलें होती है। तो किस चेतना से हम आगे बढ़ सकते हैं? एंड इवन इन भक्ति इफ यू आर ट्राइंग विद सम मिशन, सो पहले तो अपनी खुद की भक्ति करना इतना मुश्किल है, उसमें भक्ति पूर्ण ये रखे कुछ मिशन सामने रखना वो और मुश्किल है। एंड देन स्टिल यू फेस सो मच। तो फिर खास करके अगर हम प्रचार करने के कुछ सेवा करने पड़ते हैं तो उससे और समस्या आ जाती है। तो इन द वर्ल्ड वी कैन नॉट चूज वेदर टू हैव प्रॉब्लम्स और नॉट, बट वी कैन चूज विच प्रॉब्लम्स टू हैव। हम ये चुनाव नहीं कर सकते कि हमें समस्याएं आएगी या नहीं आएगी, पर कुछ हद तक हम चुनाव कर सकते हैं कि किस प्रकार की समस्याओं का हम सामना करेंगे। जैसे मतलब क्या है, कोई अगर बीमार है तो दर्द तो होने ही वाला है उसको, पर अगर वो दवाई ले रहा है, दवाई कड़वी है, कोई सर्जरी कर रहा है, सर्जरी से दर्द होता है, तो अभी वो भी दर्द ही है, पर वो दर्द ऐसा है जिससे कि वो बीमारी के दर्द से धीरे धीरे वो परे जाएगा। तो हमारी जो जीवन में समस्याएं होती है वो कैसे होती है कि कुछ ऐसे कुछ देर ओके आई स्पीक इन इंग्लिश फिर मैं हिंदी बोल क्या है कि वी ऑल हैव प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, बट हाउ मच द ट्रबल्स ऑफ लाइफ ट्रबल अस डिपेंड्स ऑन आवर टेम्परामेंट, डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस। कि सबके जीवन में दुख है पर वो दुख हमें कितना दुखी करते हैं वह हमारी चेतना पर निर्भर है। मेरा उस पर पूरा एक सेमिनार है, पर एक सिंपल उदाहरण से बोल सकता हूँ मैं कि अगर तुलना करते एक ऐसे ग्राफ बनाते हैं हम कि ये है प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और ये है टाइम। तो हमारे जीवन में समस्याएं जो होती है
तो अगर कोई समस्या है और उसके बारे में विचार ही नहीं करता है कोई, तो फिर वो भी बड़ी बड़ी समस्या है। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है और सोचते ही नहीं है कि अभी क्या दवाई लेनी है, कैसे डॉक्टर के पास जाना है, क्या करना है, उसका विचार ही नहीं करेंगे तो वो बड़ी समस्या है। ज़रूर हमको दवाई तो ले, उसके बाद विचार करना है। तो जब हम किसी समस्या का विचार करते हैं तो समस्या का कैसे सामना करना है, वो जो ग्राफ है ऐसे बढ़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीजेज एज वी थिंक अबाउट द प्रॉब्लम। जितना हम विचार करते हैं उतनी हमको स्पष्टता आती है कि समस्या के बारे में क्या कर सके। पर यह जो ग्राफ है ये ऐसे सीधा ही बढ़ते नहीं रहता है, ये एक मात्रा तक बढ़ता है और उसके बाद फ्लैट हो जाता है। मतलब हम जितना सोचे पहले सोचते हैं तो कुछ स्पष्टता आती है, ठीक है ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, पर और सोचते रहेंगे तो क्या होता है, वो और स्पष्टता नहीं आती है। और फिर उसके बाद में और सोचेंगे तो फिर वो वास्तव में नीचे आने लगता है, जो स्पष्टता होती है वो भी चली जाती है। इसको कहते हैं इंग्लिश में ओवर थिंकिंग, कि नॉट थिंकिंग इज अ प्रॉब्लम बट थिंकिंग टू मच इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। न विचार करना और बहुत विचार करना भी बहुत समस्या, दोनों से समस्या होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अर्लियर आई वॉज कन्फ्यूज, नाउ आई एम नॉट सो श्योर। तो ऐसे मन में ही फंस जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता क्या करना है। तो हमें कि हम सबको क्या करना है, जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में हमको विचार करना जरूरी है, पर उसको एक रेगुलेटेड पद्धति से विचार करना है। मतलब क्या रेगुलेटेड पद्धति से विचार करना, कि जब हमारे जीवन में समस्या है तो क्या है, हमारा मन एक छोटे बालक के समान है। तो जो मन होता है, द माइंड इज मोर वरीड इफ देर इज अ सोल्यूशन रादर देन वॉट इज द सोल्यूशन। मतलब इस समस्या का कोई है, हल है, उसके बारे में उसको ज्यादा चिंता होती है, क्या हल है वह जानने में उसकी उतनी रुचि नहीं होती है। मतलब क्या है इस कहने का विश्लेषण कैसे, कि जब हमारे जीवन में कोई समस्याएं होती है तो एक ऐसी प्रवृत्ति होती है उसके बारे में हमेशा विचार करते रहे। किसी को ऐसी बीमारी है कब ठीक होने वाले कुछ पता नहीं है और बहुत समय से बीमार रह रहे हैं, या किसी की नौकरी चली गई है अभी कब नौकरी मिलेगी क्या होगा, कोई रिश्ते में कोई समस्या आ रही है, तो कुछ कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिनका कब हल आने वाला है पता नहीं है, और उनके हल को लाने के लिए हमारे पास कुछ करने की क्षमता सीमित होती है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में कोई है तो हमें जहां तक हो सके एक नियम बनाना चाहिए कि मैं कि फॉर प्रॉब्लम्स दैट आर कॉन्स्टेंटली देयर डोंट कीप कॉन्स्टेंटली थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। अगर किसी को कोई बीमारी है तो घर में कोई बहुत बीमार है और भी सबको, अगर कोई काफी समय से कोई बीमार रह रहा है तो भी सबको पता है ठीक है हमको ये करना है वो करना है वो करना है, तो कुछ कुछ चीज़ें नियमित होती है। पर अगर उसके बारे में हमेशा बात करते रहे, अरे इसको ऐसे हो गया अभी क्या करेंगे, इसका पैसा कहाँ से आएगा, ये कहाँ होगा, तो क्या होगा, वो समस्या इतनी बड़ी हो जाएगी वो हमें जिंदा गाड़ देगी। तो उसका फैसला कर लो कि हम दिन में 15 मिनट आधा घंटा इसके बारे में बात करेंगे, और इसके अलावा जो हम सबको काम करना है वो काम कर देंगे पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और न केवल बात नहीं करना है ऐसे नहीं, पर हमारा मन भी दूसरी चीज़ों में लगा। तो क्या होता है जब समस्या हमेशा रहती है और हल हमको कहीं सामने, हल कब आने वाला पता नहीं है, तो एक तरह से स्वाभाविक हो जाता है कि हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे हमारा मन ही हमारा बहुत बड़ा शत्रु बन जाता है। ऐसे नहीं कि समस्या है नहीं, समस्या है, पर वो समस्या की मात्रा बहुत बढ़ जाती है जब हम उसके बारे में हमेशा विचार करते रहते हैं। तो फॉर प्रॉब्लम्स दैट आर कॉन्स्टेंटली देयर फिक्स अ टाइम टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड गो ऑन विथ योर रिमेनिंग लाइफ एज मच एज पॉसिबल। कि जब इसके लिए हम समय फैसला करेंगे, इस समय में हम इसके बारे में बात करेंगे और बाकी सारा जीवन जितना हो सके एक नॉर्मल पद्धति से आगे बढ़ाने, और उसमें अगर हमारे पास बाकी जीवन में कुछ स्टिम्यूलेटिंग है, कुछ चैलेंजिंग है, कुछ जो हमारा मन इसमें लग सकता है ऐसी चीज़ें हैं, तो फिर क्या होता है, इसमें से मन निकल जाता है। तो इसीलिए जो मैं पिछली रात में बताया कि हम समस्या है कि नहीं ये चुनाव नहीं कर सकते हैं,
पर क्या समस्या है उसका चुनाव कर सकते हैं। मतलब क्या है, ये समस्या मेरे पास पहले से जीवन में है और उसके बारे में भी विचार करते रहूंगा तो मैं उसमें जिंदा गाड़ा जाऊंगा, तो ठीक है ये समस्या है पर मैं कुछ और जिम्मेदारी लेता हूँ, कुछ और ऐसी चीज दे लेता हूँ जिसमें मेरा मन लग जाएगा। तो पहले मुझे लगा पहले से बहुत सारी जिम्मेदारी और कहाँ से ले लूँ मैं। तो ये ऐसे नहीं है कि हमें खुद को बहुत ज़्यादा बोझा लेना है, पर हमें क्या होता है हमारे मन को कहीं ना कहीं लगाना है और few things focus the mind as much as responsibility, कि जिम्मेदारी सबसे ज्यादा हमारे मन को लगाती है। क्या है, मन लगाओ बोलते हैं पर मन लगता नहीं जब तक कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। मान लीजिए अगर आपको कहते हैं ठीक है आप इतना चिंता कर रहे हो थोड़ा शास्त्र का पठन करो, ठीक है आप शास्त्र खोलते हैं पर ये समस्या है वो समस्या है अभी क्या करेंगे शास्त्र में मन नहीं लगता है। पर अगर आपको पता है कि अभी मुझे एक घंटे के बाद जो पढ़ रहा हूं उस पर एक लेक्चर देना है तो क्या होगा, अगर वो जिम्मेदारी होगी तो मन तुरंत लग जाएगा वहां पे। अगर हम कुछ प्रवचन सुन रहे हैं ठीक है सैकड़ों प्रवचन सुने आज एक को जाके प्रवचन सुन लेते हैं, पर मान लीजिए प्रवचन के बाद में हमको बताना है कि प्रवचन में क्या सुना मैंने, हो ओके 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 तो फिर ध्यानपूर्वक सुनेंगे हम। तो क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ बर्डन दैट फ्रीज अस फ्रॉम बर्डन्स। जिम्मेदारी ये ऐसा बोझा है जो हमें बोझों से मुक्त करता है। तो यह एक बड़ी जिम्मेदारी की विलक्षण चीज है ये। जब हम भगवान की सेवा के लिए कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो एक तरह से ऐसे लग सकता है कि पहले से मेरे इतने सारे बोझ है ये कहाँ से लूंगा मैं। और सत्य है हमको एक व्यवहारिक रूप से भी देखना है, इतना भी सेवा नहीं होनी चाहिए कि हम उसमें पूरा दब जाते हैं, पर कई बार हमारी परिस्थितियां में इतनी नहीं दबा रही होती जितनी हमारी मनस्थिति दबा रही होती है। तो वो मन के दबाव से मुक्त करने के लिए कुछ किसी और चीज में अगर हम मन लगा सकते हैं तो फिर वो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए जिम्मेदारी अगर हम लग सकता है कि पहले जिंदगी मुश्किल से कलयुग में जीवन मुश्किल है उसमें भक्ति करना और मुश्किल है और उसमें भक्ति में जिम्मेदारी लेना और मुश्किल है, पर यद्यपि ये एक दूसरी सत्य है एक व्यवहारिक रूप से हम सबके पास 24 घंटे ही है, हम उसमें ज़्यादा कहाँ 24 घंटे से ज़्यादा कुछ कर नहीं कर सकते हैं। पर एक मानसिक दृष्टि से देखेंगे हम तो वास्तव में हमारे जो बोझा होता है वो कभी कभी हमारे मन का बोझा दुनिया से बोझा से ज़्यादा होता है, और फिर हम दूसरा कोई अगर बोझा उठा लेते हैं दूसरी कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो मन को वो उतना समय नहीं मिलता है हमको और बोझा दबाने के लिए। तो ये हम थोड़ा खुद का आत्मनिरीक्षण करके दूसरे भक्तों से सलाह करके फिर फैसला कर सकते हैं कि कितना हम जिम्मेदारी लेना चाहिए। पर ये नहीं ऐसे ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि मेरे जीवन में बहुत समस्या है इसलिए मैं अभी कोई सेवा नहीं कर सकता, नहीं कभी कभी सेवाओं के द्वारा ही समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिल सकती है हमको। पर ऐसे नहीं है कि हम सेवा लेते रहे और फिर हम वो सेवाओं के बोझ में दब जाए पूरा, हमें एक बैलेंस रखना है। पर वो बैलेंस रखने के लिए हमें देखना है कि दो चीज़ें हैं, एक व्यवहारिक सत्य है और एक मानसिक सत्य है, और केवल व्यवहारिक सत्य के ऊपर हम पूरा नहीं जाना है और केवल मानसिक सत्य पर पूरा नहीं जाना है, दोनों का एक बैलेंस रखना है हमें। ओके थैंक यू। यस प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते कुछ है और करते कुछ है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वेदर वर्ड्स ऑफ नेचर इन्फ्लुएंसेस आवर थिंकिंग और आवर थिंकिंग इन्फ्लुएंसेस द मोड्स ऑफ नेचर एंड वी एक्ट अकॉर्डिंगली। अच्छा, तो हम सोचते कुछ है करते कुछ है, तो क्या हमारे विचारधारा तीन गुणों से प्रभावित होती है या हमारे विचारों से तीन गुण प्रभावित होते हैं? ये कैसे है कि वो पुराना सवाल है, अंडा पहले आता है या मुर्गी पहले आता है? तो उसका जवाब है जो है उसके साथ शुरुआत करो तुम। अगर अंडा है तो अंडा के साथ शुरुआत करो, मुर्गी है तो मुर्गी के साथ शुरुआत करो। तो मतलब क्या है कि यह सत्य है कि हम किस प्रकार के विचार करेंगे, किस प्रकार के विचार हमारे मन में एक स्वाभाविक पद्धति से आएंगे, वह तीन गुणों के प्रभाव से निर्धारित होता है। कोई अगर बहुत लालची है तो उसमें लोभ बहुत है तो जहां भी जाएगा सबसे पहले पैसा दिखेगा, अच्छा ये ऐसा इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा इतना पैसा,
तो हमारे कैसे है कि कुछ विचार या अधिकांश विचार हम कह सकते हैं ये एक अपने आप पूर्व प्रभाव से आ जाते हैं। जैसे अगर कंप्यूटर का स्क्रीन अगर देखेंगे, फोन का स्क्रीन देखेंगे, तो कुछ कुछ नोटिफिकेशन अपने आप आ जाते हैं वो फोन में। पर जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उन सबको ही, उनमें से ही किसी को हमको नोटिस करना ऐसा जरूरी नहीं है। शायद हम वो 10 नोटिफिकेशन आए हैं पर वो किसी भी एक नोटिफिकेशन को न देख के हम कोई और ऐप खोल सकते हैं। तो वैसे ही क्या है, हमारे पूर्व कार्यों के कारण किसी प्रकार से हम में गुणों का प्रभाव हो गया है और वो गुणों के प्रभाव के कारण कुछ प्रकार के विचार अपने आप ही हमारे मन में आ जाएंगे। पर जो विचार आते हैं वो उस पर हम जितना चिंतन करते हैं उतना वो विचार बढ़ता है, और उसके अलावा कोई और चिंतन हम करते हैं तो वो भी बढ़ता है फिर उसके द्वारा। तो जो तो हमें क्या करना है, जो भी हमारी अभी की परिस्थिति है उसमें हम सकारात्मक, रचनात्मक, आध्यात्मिक क्या कर सकते हैं देखना है। तो खुद को परिवर्तन अगर करना है तो उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं, SSS, स्मॉल सिंपल स्टेप्स, छोटी सी चीज आप क्या कर सकते हो। क्या है कि मन पे ऐसे आप कहते हैं कि हमारा, हम सोचते एक है, इरादा एक करते हैं पर कार्य दूसरा हो जाता है, तो क्या है मन के लिए हम क्या कार्य करते हैं, कितने नियमितता से कार्य करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम कितनी मात्रा में कार्य करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब क्या, अगर हमको कहना है हमें शास्त्र पढ़ना है, ये भागवतम जानना है, क्योंकि जब मुझे समय मिलेगा तो मैं रोज 4 घंटा भागवतम पढ़ूंगा, पर वो समय शायद हमको 4 महीने में एक दिन मिलता है और तभी हम 4 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर बाद में 4 महीने के लिए खोलते भी नहीं है। अच्छा है कम से कम उतना तो पढ़ रहे, पर अगर हम फैसला करते हैं कि मैं रोज 4 मिनट भागवतम पढ़ूंगा, बोले भागवतम इतना बड़ा है 4 मिनट में क्या होने वाला है। नहीं, अगर हम रोज वो करेंगे 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए करेंगे, तो क्या होता है जब हम रोज करते हैं उससे एक मन पे संस्कार होता है। और रोज 4 मिनट अगर भागवतम पढ़ेंगे और 4 महीने में 4 घंटा भागवतम पढ़ेंगे तो शायद टोटल मात्रा एक ही हो सकता है, 1 महीने में 4 घंटा होगा तो टोटल क्वांटिटी एक ही हो सकता है, पर क्या है मन पे जो उसका प्रभाव है, संस्कार है, अलग होता है। तो इसीलिए कोई अगर जीवन में परिवर्तन करना है और हम कर नहीं पा रहे तो कोई बड़ा परिवर्तन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, कोई छोटा चीज जो हम कर सकते वो उसे चालू कर दीजिए, और अगर वैसे चालू कर देंगे तो धीरे 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 वृद्धि हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि हाँ, हमारे गुणों के द्वारा हमारे विचारों पर प्रभाव होता है, पर हमारे विचारों के द्वारा भी गुणों पर प्रभाव होता है। तो हमारी जो भी मनस्थिति है, जो भी परिस्थिति है, उसमें हम अभी क्या कर सकते हैं, जो संभव है से छोटी सी चीज से शुरुआत कर लीजिए। इसे कर लेंगे धीरे धीरे, अगर उसका संस्कार हो जाएगा तो मन का परिवर्तन हो जाएगा और फिर वही चीज और मात्रा में करना भी आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे, श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु की।